वो अपनी सियासी पारी की तैयारी में है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर गुप्तेश्वर पांडे किस पार्टी का दामन थामने वाले हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं लोगों के जहन में कि आखिर गुप्तेश्वर पांडे ने अचानक से यह फैसला क्यों किया, जबकि उनके पुलिस की जो सर्विस थी, जो जॉब थी उनकी, वो 6 महीने के करीब बची थी और उसके बाद वो रिटायर वैसे भी होने वाले थे, लेकिन अचानक से चुनाव से पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया, वीआरएस मंजूर हो गया और अब राजनीति में वो कदम रखने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी। गुप्तेश्वर पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। नमस्कार भाई, प्रणाम जी। सर, बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीदें तो आजकल इस वक्त जी नमस्कार इस वक्त तो सर उम्मीदें आपसे और ज्यादा बढ़ गई थी मुझे लगता है लोगों की, कि गुप्तेश्वर पांडे जी जो हैं वो एक ऐसे डीजीपी हैं जो शायद इतना मुखर होकर कोई डीजीपी पुलिस का मुखिया शायद जनता के बीच लोकप्रिय नहीं रहा हो जितना आप रहे हैं, और ऐसे समय में लोगों की उम्मीद थी कि शायद आप कुछ दिन और जब अपनी सर्विस पूरी करेंगे तो शायद और भी बहुत सारे आप ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करेंगे जिससे लोगों को खुशी हो, लेकिन अचानक से ये वीआरएस का फैसला। आप लोगों का कारण भाई, आप लोगों का कारण, इतना दबाव बना दिया आप लोगों ने, मीडिया के साथियों ने। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको नहीं कह रहा हूं, कोई मुंबई से बयान दे रहा है भाई कि अब गृहमंत्री हो जाएंगे, अब चुनाव लड़ेंगे, या वहां से उठा लिया यहाँ के लोगों ने, छोटे छोटे पोर्टल वालों ने, छोटे छोटे मीडिया के मेरे साथियों ने, बिना समझे उनका जिब्बे था लेकिन लोगों ने उठा लिया और लोग छापने लगे और हमसे सवाल बहुत पूछे जाने लगे। जहां जाऊं मीडिया के भाई यही पूछते हैं, क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या रिटायर हो रहे हैं, क्या क्या आप कब इस्तीफा दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक साथी ने तो 1 महीने पहले समाचार चला दिया कि इस्तीफा ले लिया और हजारों फोन आने लगे, इतने फोन आने लगे, इतने मैसेज आने लगे मीडिया में, पोर्टल में, अखबार में, यहां से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे। अब बताइए, एक तरह से मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर, मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी के पोस्ट पर बैठा हुआ हूँ। 4 दिन के बाद आचार संहिता की घोषणा होने वाली, कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है और चुनाव आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग के अंतर्गत काम करना है और किसी ऐसे महत्वपूर्ण पद पर जिसमें, जिसकी चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका होती है, ऐसे व्यक्ति को इस तरह से राजनीतिक लोकप्रियता, वैसे वो चुनाव कैसे कर पाएगा, इसे अपनी लोकप्रियता के तौर पर भी लिया जा सकता था। हाँ, कुछ विरोधी थे, ये सुशांत वाले केस में मुंबई में जरूर विरोधी कुछ कह रहे थे, वो लोकप्रियता ठीक है, लेकिन आप समझिए नहीं, जब लेकिन उसमें क्या है ना कि परसेप्शन पब्लिक का बदल जाता है ना, लोगों का परसेप्शन बदल जाता है ना, जो आपके विरोधी हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, सरकार के विरोधी लोग वो सक्रिय हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी लगेगा कि भाई इतना राजनीतिक विवाद में इस आदमी को रहना है तो इसको लेकर के चुनाव कराना है कि नहीं। कल को इलेक्शन कमीशन ये निर्णय ले सकता था कि भैया बहुत ज्यादा राजनीतिक चर्चा में है तो आप हटिए, आप चुनाव तक, हम दूसरे डीजी से चुनाव कराएंगे, कितना मेरा अपमान हो जाता, मेरा बहुत बड़ा अपमान हो जाता, मुझे इलेक्शन से हटा देता तो मेरी जीवन भर की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती थी, हो जा सकती थी। तो मुझे इस बात का अप्रिहेंशन था कि मेरे शत्रु जो लगे हुए हैं, लोग जो मेरी लोकप्रियता से जलते हैं, ये लोग इस तरह का माहौल बना देंगे कि जैसे मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का या दल का समर्थक हूं और ऐसी परिस्थिति में ऐसा माहौल बना देंगे कि मुझे बीच में चुनाव आए। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं, अगर ये चर्चा हुई तो इसके पीछे कोई खास वजह? मेरे लिए बहुत बड़ा अपमानजनक होता। मैंने सोचा कि इतना इंप्रेशन मैंने छोड़ दिया, मैंने इसके पहले ही छोड़ दूं, विवाद में पड़ने से अच्छा है कि छोड़ दिया जाए। ये परसेप्शन क्यों बना सर, आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्यों परसेप्शन ऐसा बना? क्या ज्यादा मुखर होना, सामने आकर बात रखना, ये लोगों को नागवार गुजरा, या फिर लोगों को लगा कि नहीं आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, किस तरह से मेरे पर हमले शुरू हुए, किस तरह से? अरे सुनिए ना, अरे आप सुनिए ना, आप देखे नहीं हमने क्या पाप कर दिया? सुशांत के लिए आवाज उठाई तो कोई पाप कर दिया, गुनाह कर दिया। मैंने केस कर दिया पटना में, कोई पाप कर दिया, गुनाह कर दिया, अनैतिक का काम किया, असंवैधानिक किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, इलीगल किया। मैंने टीम भेज दिया मुंबई तो पाप कर दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए।
उसको तंग करने लगे, वो परेशान करने लगे, एक आईपीएस अफसर को भेज दिया तो पाप कर दिया, उसको क्वारंटीन कर दिए और उसके बाद मैंने आपके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो पाप कर दिया, केस को सीबीआई को रिफर कर दिया अपना। नहीं तो ये तो पॉजिटिव था ना सर कि आपने इतना स्टैंड लिया, ये तो आपके स्ट्रॉन्ग इमेज बना रहा था ना कि आज बिहार के एक ऐसे डीजीपी हैं जो कड़े से कड़ा फैसला लेने को तैयार है, ये तो बहुत पॉजिटिव बना रहा था। उसके बाद देखिए ना, उसके बाद किस तरह से हमको ट्रोल किया जाने लगा, उसके बाद किस तरह से हमको हम पर टिप्पणियां होने लगी, किस तरह से ट्रोल किए जाने लगे हम कि अभी चुनाव लड़ेंगे तो बिहार के गृह मंत्री बनेंगे तो ये बनेंगे तो वो बनेंगे, और उसको पकड़ करके और बाकी लोग जो हमारी पॉपुलरिटी से जड़ते हैं तो वो लोग भी देखिए मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कितना हमको परेशान किया गया और सब पत्रकार भी यही सवाल पूछने लगे। तो ये चुनाव आयोग के नजर में क्या परसेप्शन बनता कि भाई ये बहुत पॉलिटिकल हो गए हैं, और मुझे कह देता चुनाव जी गुप्तेश्वर जी बड़े आप अच्छे हैं और हम जानते हैं कि आपके खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन आप 2 महीना के लिए किनारे हो जाइए, हम दूसरे चुनाव कराएंगे, ताकि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि आपने किसी का पक्षपात कर दिया। तो मेरे लिए तो इससे बड़ा मर जाने वाली बात कुछ नहीं होती, शर्मनाक बात कुछ नहीं होती कि कैरियर के लास्ट टाइम में 4 महीना 6 महीना नौकरी, हम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं? यानी इसको इस तरीके से हम देखें कि गुप्तेश्वर पांडे जी एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर रहे हैं जो अपनी पूरी सर्विस को बेदाग रखना ही चाहते थे और वो चाहते हैं कि उनके सर्विस पर कोई दाग नहीं लगे, इसलिए उन्होंने यह बड़ा फैसला कर लिया, छोड़ दिया, क्या फर्क है 6 महीना बाद छोड़ते 6 महीना पहले छोड़ दिया, उसमें क्या दिक्कत। कम से कम अब कोई मुझे पर आरोप नहीं लगा सकता ना कि चुनाव में मैंने किसी की मदद कर दी, किसी को हरा दिया, किसी को जिता दिया। अब तो जिसको हराना होगा, जिसको जिताना होगा, अब स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से हम ये काम खुलेआम कर सकते हैं। हालांकि चलिए विरोधी आपके जो कहते हो या सुशांत केस में जिन लोगों को तकलीफ हो रही थी वो जो कहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की जनता के बीच या बल्कि पूरे देश में आपकी लोकप्रियता चरम पर दिखी इस दौरान जिस तरह से आपने स्टैंड लिया। अब आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब तो आपने कहा कि अब आप एक स्वतंत्र नागरिक हैं, आप किसी पद से बंधे हुए नहीं हैं, आप फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। बिहार में 40 जिले हैं, 38 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट जी, और उसमें से 26 जिलों में तो मैंने काम किया है किसी न किसी कैपेसिटी में, डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में, एसपी के रूप में, एडिशनल डीपी के रूप में, तो हर जगह मेरे लाखों की संख्या में फैन है, मुझे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले ऐसे चाहते तो सब लोग हैं, लेकिन कम से कम एक एक जिले में 25-50 हजार लोग मुझसे डायरेक्टली इंडिविजुअली फेस टू फेस जुड़े हुए हैं। तो ऐसे तमाम लोग आ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोग आ रहे हैं, मैं उनसे राय ले रहा हूं, राय लेकर के मैं अपना फैसला 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ले लूंगा कि मुझे अभी क्या करना है। अच्छा, लेकिन ये बात स्पष्ट है, आपके मन में भी ये सवाल कौंध रहा होगा, आप कहिएगा कि आप घुमा रहे हैं, आप सीधा सवाल कर रहा हूं, आप सीधा जवाब दीजिए, जैसे सब पत्रकार करते नहीं, नहीं सर, आप तो आपके सीधे सवाल से जवाब दीजिए, जो सीधा जवाब ये है कि मैं राजनीति में भी आ सकता हूं, आप सुन लीजिए, मैं राजनीति में भी आ सकता हूं, आप पूछिएगा कौन पार्टी से किस जगह से, वो अभी तय नहीं किया है, लेकिन राजनीति सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है और वहां से सेवा की जा सकती है, लेकिन राजनीति में भी आऊंगा, सकारात्मक राजनीति करूंगा, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई आक्षेप पटाक्षेप कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उस पर कोई गलत टिप्पणी नहीं करूंगा, सैद्धांतिक केवल विरोध होगा जिससे भी होगा, लेकिन व्यक्तिगत किसी पर किसी की आलोचना में विश्वास नहीं करता और मैं चाहूंगा कि लोग जात से ऊपर उठें, मजहब से ऊपर उठें, धर्म से ऊपर उठें और एक डिवाइडेड जो सिविल सोसाइटी है उसको यूनाइटेड सिविल सोसाइटी बनाने के लिए जो कुछ करना होगा, उनमें लोग जात के नाम पर बटे हैं, धर्म के नाम पर बटे हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, गली का झगड़ा, नली का झगड़ा, कुत्ता का झगड़ा, खेत का झगड़ा, भैंस का झगड़ा, गाय का झगड़ा, खसी का झगड़ा, बकरी का झगड़ा, मुर्गा का झगड़ा, मुर्गी का झगड़ा, हिंदू का झगड़ा, मुसलमान का झगड़ा, ये डिवाइडेड सोसाइटी को मैं यूनाइटेड सोसाइटी करना चाहता हूं, आपस के छोटे छोटे चीजों से ऊपर उठो और देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचो, इस परिकल्पना इस संकल्पना के साथ राजनीति में जाने का मेरा। अच्छा सर, एक सवाल मेरा है, चलिए एक इत्तफाक, आपने कहा कि इतना प्रेशर बन गया था, किस दल से जाऊंगा, कहां जाऊंगा, ये बाद में बताऊंगा, आपने कहा कि इतना प्रेशर बन गया था कि मैंने रिजाइन किया, लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि जब आपने 1987 में आईपीएस ऑफिसर के तौर पर अपना काम शुरू किया
तब एक पुलिस की जॉब बहुत रफ टफ जॉब मानी जाती है और आपको जबरदस्त लोकप्रियता मिली। अभी आप गाना एक देख रहे हैं रॉबिन हुड बिहार के करके, एक गाना आप पर बना है और लोगों ने गजब तरीके से उसे पसंद किया है, मतलब हिट हो गया है, सोशल मीडिया पर छा गया है। मैं ये कहूं कि आपको कब लगा कि पुलिस अधिकारी से इतर भी बड़े फलक पर समाज सेवा की जा सकती है? मैं तो जनता का आदमी शुरू से हूं, मैं तो जनता का डीजीपी भी था, छतरा से लेकर के देखिए गंजू हैं, भुइयां हैं, समाज के सबसे निचले पायदान पर लोग हैं मेरे भाई साहब। मैं उनकी झोपड़ियों में जाकर बैठता था, मैं उबला हुआ महुआ उनके साथ खाता था, वहीं पर तो मुझे पता चला गरीबी क्या चीज होती है। बेगूसराय में गया, 40 दुर्दांत अपराध कर्मी वहां मारे गए, सबसे शीर्ष पर अपराध के मामले में बेगूसराय हुआ करता था। गांव गांव जाकर हर जात समाज के लोगों को, नौजवानों को जोड़ा, उनके सहयोग से अपराध मुक्त किया बेगूसराय को। 93-94 का अपराध आंकड़े की समीक्षा कीजिए, जहानाबाद हिंसा से, नक्सली हिंसा से त्रस्त था। 11 में नरसंहार हुआ, 13 आदमी का, मुझे तुरंत जहानाबाद भेजा गया। और जहानाबाद तो मैसेकर, लैंड ऑफ मैसेकर कहा जाता है। बातें हुआ, सिनारी हुआ, मियाचक हुआ, ऐसे ऐसे 50 छोटे बड़े नरसंहार की धरती है। एक साल रहा मैं, सबके यहाँ गया, दलित के यहाँ, सवर्ण के यहाँ, सबके यहाँ, जो समाज के सबसे निचले पैदान पर, हाथ जोड़कर सबको समझा बुझा करके, एक पत्ता भी नहीं हिला। औरंगाबाद में रहा, एक पत्ता भी नहीं हिला। औरंगाबाद में 54,000 लोगों की शांति समिति बनाई, एक एक आदमी से जुड़ करके औरंगाबाद में विधि व्यवस्था और ये अपराध नियंत्रण का काम किया। तो मैं शुरू से जनता के बीच में रहा हूँ, जनता इसीलिए हूँ, कोरोना के टाइम में भी गांव गांव घूमते रहा। यही वजह है कि सर मैं कह रहा था, आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कोई टाइम नहीं ऑफिस में मिलने का, कोई, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना मतलब जमीन पर जाकर लोगों के बीच जाकर काम किया। लेकिन शायद आपको नहीं लगता है कि ये वजह थी कि लोगों की इच्छा, मैं इसे पॉजिटिव देख रहा हूं कि लोगों ने उम्मीद की कि शायद आप सियासत में आएंगे तो बड़े पैमाने पर काम कर पाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, 2015 में जब शराबबंदी बिहार में हुई तो एक पुलिस अधिकारी के तौर पर तो इतना काम होता है कि वो अपने जो मातहत अधिकारी है उनको आदेश करे कि भाई शराबबंदी है, शराब का कारोबार नहीं होना चाहिए, सख्ती से इसका पालन हो। लेकिन आपने उससे ऊपर जाकर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में जाकर इस अभियान को चलाया तो लगा कि गुप्तेश्वर पांडे का अधिकारी के साथ साथ एक आम इंसान के तौर पर उस शराबबंदी अभियान को खुद अडॉप्ट करते हैं कि हाँ बहुत अच्छी चीज है। 200 मीटिंग की मैंने जी 200 मीटिंग की, कॉलेज में गया, स्कूल में गया, गांव में गया, टोली में गया, दलितों की टोली में गया, सवर्णों के गांव में गया, हर जगह, हर जात, हर समाज के बीच में गया और लोक जागरण फैलाने का प्रयास किया मैं। तो मैं जनता का आदमी हूं, जनता के बीच में था, जनता के बीच में हूं और ये रिटायरमेंट के बाद भी जनता के बीच में ही रहूंगा। जनता की सेवा में था और जनता की सेवा में ही रहूंगा। कहां से लड़ूंगा, कब लड़ूंगा, किस पार्टी से लड़ूंगा, ये वक्त बताएगा। पर आप अपने मातहत अधिकारियों को भी ये सिखाते थे कि सिर्फ अधिकारी मत बने रहो, इसके अलावा भी जनता के बीच मतलब एक आम इंसान के तौर पर भी काम करना सीखिए। हो गया। सर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जिनके बारे में ये देखा गया और कहा गया, सुना गया कि वो न सिर्फ एक पुलिस अधिकारी हैं बल्कि अपने आप को एक आम इंसान के तौर पर भी हमेशा मानकर चलते हैं, अधिकारी के उस जिम्मेदारी भरे पद से इतर भी वो समाज के बीच, लोगों के बीच रहकर काम करने में विश्वास करते हैं। जो कि अभी वो बता भी रहे हैं कि मेरी हमेशा ये कोशिश रही है
कि मैं लोगों के बीच जाकर और जो भी चीजें हैं, जो भी योजनाएं, जो भी काम अभियान चल रहा है सरकार की तरफ से, उसको इम्प्लीमेंट कराऊं ताकि उससे समाज का भला हो। मैं अधिकारी के तौर पर दफ्तर में बैठकर काम करने में विश्वास नहीं करता और यही हमेशा रहा है। मैं जनता के बीच पहले भी रहा था, अधिकारी के तौर पर भी रहा, और अब जब वो अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं तो उनका कहना है कि भविष्य में भी वो जनता के बीच रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि सियासत में भी वो जरूर आ सकते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं किया उन्होंने कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिक्स में आने को तैयार हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए।